हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गुलदस्ता में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। आज हम बनाएंगे हमारे मिथिला का पारंपरिक और बहुत ही खास त्योहारों पे बनने वाला स्वादिष्ट पकवान दाल पूरी। इसे हमारे यहाँ चौठ चंद्र और जो मैथिल नववर्ष होता है जिसे जुड़ शीतल कहते हैं, उसमें खास बनाया जाता है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद भी है। तो आइए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं और इसे बनाने के लिए हमें सामग्री क्या क्या चाहिए। सबसे पहले लेंगे हम चना दाल। ये चना दाल हमारा लगभग 300 ग्राम है और अब इसे हम पानी डाल करके लगभग 3 से 4 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। पूरी बनाने के लिए आटा और मसालों में हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच, 1 टेबल स्पून साबुत जीरा, कुटी हुई अदरक लगभग 1 से 1.5 इंच की अदरक को कूट लेना है, कटी हुई हरी मिर्च, आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 बड़ा चम्मच, हल्दी और नमक। दाल हमारा भींग चुका है तो सबसे पहले हम भींगे हुए चने दाल को उबाल लेंगे। दाल में से पानी हम निकाल लिए हैं और अब इसे कुकर में डालकर हम नमक, स्वादानुसार हल्दी और 1 चम्मच साबुत जीरा डाल करके करीब 1 ग्लास पानी डालकर इसे हम उबाल लेंगे। इसे अब तेज आंच पर 1 सीटी और कम आंच पर 1 सीटी लगाना है। सीटी हमारा लग चुका है तो गैस अब हम ऑफ कर लेंगे और दाल को अब हमें छान लेना है। अब इस छने हुए दाल को ठंडा होने के लिए हमें छोड़ देना है। दाल हमारा ठंडा हो चुका है तो इसे अब हम मिक्सी में पीस लेंगे। इसे बारीक पीसना है ताकि इसमें कोई साबुत दाल नहीं बचे। अब इस पीसी हुई दाल को हमें मसालों के साथ भूनना है तो इसके लिए हम कढ़ाई गर्म कर लिए हैं। तेज आंच पे हमें कढ़ाई को गर्म कर लेना है और इसमें अब हम लगभग 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। कोशिश करें कि आप लोग भी सरसों का तेल ही यूज करें क्योंकि सरसों के तेल में ही आपको मैथिल पारंपरिक टेस्ट का अनुभव होगा। तो आप भी इसे सरसों के तेल में ही बनाएं। तेल गर्म हो चुका है तो इसमें अब हम कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। कटी हुई हरी मिर्च थोड़ी सी भुन चुकी है तो अब इसमें हम डालेंगे हमारा पिसे हुआ चने का दाल। चने का दाल डाल करके इसे अब हमें 2 से 3 मिनट चलाते हुए ही भूनना है और अब हम डालेंगे जो हम अदरक कूट कर रखे हैं वो, और थोड़ी सी मैं यहाँ लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको तीखा खाना पसंद हो तो लाल मिर्च पाउडर ऐड करें, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। और इसे चलाते हुए ही लगभग 5 मिनट हम अभी भूनेंगे तेज आंच पर। और अब इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। ये दोनों मसाले डालने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट तक हम इसे तेज आंच पर चलाते हुए ही भूनेंगे, जब तक कि हम देखेंगे कढ़ाई में दाल चिपकना बिल्कुल बंद हो जाए और दाल हमारा बिल्कुल भून चुका है। तो लगभग 15 मिनट हम करीब भूने हैं इसको तो दाल अब बिल्कुल नहीं चिपक रहा है कढ़ाई की पैंदी में भी और पूरी तरह से ये भुन भी चुका है। तो अब हम यहाँ गैस को बंद कर लेंगे और इस दाल को बिल्कुल ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद ही हम इसे फिल करके पूरी बनाएंगे। जब तक हमारा दाल ठंडा हो रहा है तब तक हम पूरी के लिए आटा लगा लेंगे। आटे में हम थोड़ा सा घी डालेंगे और घी डालकर इसे अच्छे से हमें मिलाना है ताकि हमारा पूरी का आटा बिल्कुल सॉफ्ट तैयार हो। और इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए
इसे बिल्कुल एक सॉफ्ट डो हम बना लेंगे। आटे का डो हमारा इसी तरह से सॉफ्ट होना चाहिए ताकि पूरी बेलते समय पूरी हमारा फटे नहीं। तो आटा हमारा तैयार है, तो आइए अब हम पूरी बनाना शुरू करें। पूरी बनाने के लिए हम आटे का जो पेड़ा लेंगे वो रेगुलर रोटी के लिए जो लेते हैं उससे लगभग 1.5 गुना बड़ा लेंगे और इसमें अच्छे से इसको गोल करके और इसमें तुरा लगा देंगे। इसमें सूखा आटा लगाना है और हल्के हाथों से पहले इसे हमें बेल लेना है। लगभग इस साइज का जब हमारा बेला जाता है रोटी, इसमें अब हम इसमें दाल की जो फिलिंग है वो भरेंगे। तो इसको अच्छे से हमें साइज जिस साइज का हम पूरी बना रहे हैं उसी हिसाब से हमें दाल की इसमें फिलिंग भरनी है और इसे चारों तरफ से अच्छे से हम बंद कर देंगे ताकि बेलते समय ये बिल्कुल ही फटे नहीं। और इसको अब फिर से हम हल्के हाथों से पेड़ा बना करके इसमें फिर से सूखा आटा हम लगा लेंगे और हल्के हाथों से हम इसे बेलेंगे। और इसीलिए हमारा जितना आटा सॉफ्ट गूंदा रहेगा तो पूरी बिल्कुल भी नहीं फटेगा और दाल भी इसमें एक भी साबुत नहीं रहना चाहिए चने का दाल, ताकि बीच में फटे नहीं। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारा दाल भी और आटा भी बिल्कुल परफेक्ट बना है, तो बिल्कुल ही हमारा पूरी बेलते समय फटा नहीं है। और इसी तरह इतनी ही थिकनेस आपको भी रखनी है। तो आइए इसे अब हम तवे पर रख देते हैं। तवा हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम इसे तवे पर रख देते हैं और एक तरफ अच्छे से जब ये पक जाएगा तो यहाँ अब हम इसे अच्छे से पलट लेंगे। ध्यान रखना है टूटे नहीं। एक साइड से जब अच्छे से पक गया तो इसे हम पलट लेंगे और अब ये दूसरे साइड से भी पक चुका है तो फिर से इसे हम पलट लेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। घी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है, उसे ही फैला देना है। फिर हम इसे पलट लेंगे और पलट करके फिर दूसरी तरफ भी हम थोड़ा सा घी लगा देंगे। इसे बिल्कुल नहीं छानना है, थोड़ा थोड़ा कर घी लगाएं और इस तरह से कुरकुरा पूरी हमारा अब देख रहे हैं इस तरह से हल्का हल्का सा लाल होने लगा है। तो अब ये पूरी हमारा तैयार है। तो इसी तरह से बाकी के भी पूरी आप बना लें। तो अब हम बनाएंगे हमारा दूसरा पूरी जो कि है सरसों के तेल में जो हम बनाते हैं। तो एक एक तरफ से पक चुका है तो इसे हम पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी अच्छे से इसे हम पकने देंगे। दूसरी तरफ अब ये हो चुका है तो यहाँ फिर से इसे हम पलटेंगे और इसके बाद अब यहाँ इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। तेल डालकर अच्छे से हमें लगा लेना है पूरी के ऊपर। और फिर इसे हम पलट देंगे, अगर जरूरत है तो दूसरी तरफ हम इसमें तेल डालेंगे, नहीं तो इसी को दो साइड से हम पलट करके इसी तेल में पका लेंगे। लेकिन यहाँ हमें लग रहा है कि थोड़ी सी तेल हमें इसमें लगाना है तो मैं यहाँ लगा दी हूँ। और अब हम इसे फिर से पलट लेंगे और अच्छे से इसे हमें पकने देना है। हल्का सा ये ऊपर से कुरकुरा सा हो जाता है और आप देख रहे हैं कि ये पूरी तैयार है। तो इसी तरह से आप तेल वाली और घी वाली दोनों ही पूरी बारी बारी से बाकी के हम बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा दोनों ही तरह का दाल पूरी तैयार है, घी वाली और सरसों तेल वाली। तो इसे दही या अपने पसंद की किसी सब्जी के साथ या इमली की खटमिठी के साथ आप खा सकते हैं। इसे आप दोपहर के खाने में या रात के खाने में भी इसे खा सकते हैं। इमली की खटमिठी कैसे बनाते हैं अगर आपको ये देखना हो तो इसका वीडियो है हमारे चैनल पे, आप वो देख सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट पकवान है
तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर बनाकर खाएंगे और जानेंगे मिथिला के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद। तो इस तरह के मिथिला के पारंपरिक व्यंजनों के स्वाद जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल गुलदस्ता से। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए स्वाद के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।